कस्बे की पुलिस चौकी पर मंगलवार को ईद उल अजहा के त्यौहार को लेकर शांति समिति के सदस्यों की बैठक। नसीराबाद ग्रामीण पुलिस उप अधीक्षक सुनील सिहाग व नसीराबाद सदर थाने के थाना अधिकारी राजेश कुमार मीणा की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक में ईद के पर्व पर कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की। बैठक को संबोधित करते हुए नसीराबाद डिप्टी सुनील सिहाग ने मुस्लिम समाज के लोगों से कहा कि ईद के पर्व को आपसी प्रेम और भाईचारे के साथ मनाने की अपील की। नसीराबाद सदर थाना अधिकारी राजेश कुमार मीणा ने कहा कि राज्य सरकार की कोरोना गाइडलाइन की पालन करते हुए सभी अपने अपने घरों में ही रहकर इबादत करें और पर्व और नमाज अपने अपने घरों में ही अदा करें। साथ ही शांति समिति की बैठक में कस्बे के मुख्य चौराहे रास्तों पर सीसी कैमरे लगाने का प्रस्ताव लिया गया तथा व्यापारी मंडल की दुकानदारों प्रतिष्ठानों की जल्द ही एक ही बैठक पुलिस चौकी में आयोजित की जाएगी। इसमें कस्बे में सीसी कैमरे कहां कहां लगाने हैं और उस पर निर्णय किया जाएगा तथा व्यापारियों को भामाशाह के सहयोग लिया जाएगा जिससे चोरी पर अंकुश लग सके। इस मौके पर रामसर पुलिस चौकी प्रभारी SI बच्चराज सिंह, बीट कांस्टेबल मुकेश चौधरी, शांति समिति के सदस्य नूर भाई देशवाली, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि सलामुद्दीन भाई, बन्नालाल गुजर, भगचंद्र माली, इकबाल खात्री, शकबीर अली अगहवान अहली, लुकमान खां खींची, गौरी शंकर साहू, नसीराबाद बार एसोसिएशन के उप अध्यक्ष एडवोकेट फारूक खात्री, हाजी बीड़ी खान, हाजी फारूकुद्दीन गहलोत, पटवारी गिरधारी लाल, पत्रकार इकरामुद्दीन चौहान, रीकू खान। अपने घरों में जैसे पहले करते हैं उसे करो और ये बकरा हो गया जो करते रहा वो अपने परिसर में करो ऐसा होने आप खैर ओपन नहीं करते हो क्या दूसरों की वो बिल्कुल इस बात के लिए पहले से सजग रहा आप ऐसे ही कंट्रोल दे सकता है लीटर पर बात हुई है लेना पड़ता है और ये तो साहब कैमरे लगवाने में इच्छुक ही नहीं, क्राइम घटेगा तो इसको क्या मिलेगा? घटेगा तो आपको